संतन श्री गुरु नानक देव जी की तेरा तेरा हट्टी अज असं पहुंचे हाँ, तस्वीर भी दिखावे। इस दिन मैं इस हट्टी की दस दवा कि लोगों की जरूरत का हर एक समान जरा इस हट्टी तो मिलता, उस तस्वीर भी सूँ लगातार दिखावे तो नाल दी नाल दसांगे भी की समान जरा इतों मिलता है, क्योंकि जोड़े भी लोड़मंद लोग है उन्हें भी जरूरत का हर एक समान जरा तेरा तेरा हट्टी मिलता है। इस दसवा कि दूर दरार तो भी विदेशों चो भी जोड़े सेवादार ने वो सेवा अपनी भेजते हैं, क्योंकि जोड़े गरीब लोग है उन्होंने मदद कर सके। तेरा तेरा हट्टी के सेवादार भी मौजूद है, उन्होंने भी गलबात करा। उस तो पहले तस्वीर मैं जरूर तुम दिखा देना चाहना। इतने जोड़े कानूनी सलाह है वो भी जी 13 रुपये के भी दी जाती, उसके होम्योपैथिक दवाई की भी सुविधा इतने उपलब्ध है। हर एक चीज़ इस हट्टी के मौजूद है जी जरूरतमंद लोगों का भाई साहब भी मौजूद है, गलबात करते हैं उन्होंने। किस तरह तेरे माइंड च आया कि तेरा तेरा हट्टी की शुरुआत जी करनी चाहिए? ये सत श्रीकाल जी सारे, मेरा नाम दरविंदर सिंह है। असं जलंधर तो तेरा तेरा हट्टी खोली है। ये 2018 के शॉप खोली सी। ये शॉप खोलने का मतलब नहीं सीगा, सिर्फ मन सीगा भी 2 महीने सेवा करा करेंगे। रीजन की सीगा, सर्दियों के जिहड़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है, ठंड के डेथ किसी हो जाती है, ये चाहते फिर साढ़े जो घर समान पिया और लोगों तक पहुँचाई जो सा वेस्ट होंगे समान होंगे तो इदा ही है। घर कबड़ भरिया होंगे पर यूज़ नहीं होंगे, पर फिर लोग भर के रखते हैं। असं उस समान घरों लोगों ने कढ़वाया और कोशिश की कि हर साल जो दिसंबर जो ठंड बहुत होंगी ना, और लोगों का जैकटा स्वैटर रजाइया पहुँचाई जाए ता जो किसी की डैथ ना हो। तेरा तेरा शुरू किया है, पर संगत का सहयोग इन्ना सू समान मिले कि सानू ये दुकान खोलनी पेगी और 5 साल पूरे होने लगे। 16 दिसंबर में 5 साल पूरे हो जाने हैं और 5 साल पता नहीं लगे कदों टाइम बढ़ा गया, क्यों संगत का इन्ना सहयोग मिले ना तक समान आता गया, संगत आती रही और संगत का सहयोग मिलता रहा। बिल्कुल भाजी, जो गल करिए जो दुकान का नाम भी रखा तेरा तेरा, की माइंड आया कि तेरा तेरा हट्टी नाम ही जरा रखा गया? नहीं, दुकान का नाम तेरा तेरा हट्टी रखने का कोई मतलब नहीं, पहले तो दुकान खोलने का मतलब कोई नहीं। असं शॉप नहीं खोलनी सी, 2 महीने शॉप खोली सी सेवा वास्ते और जिन्नी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट संगत दिता समान। उस तो बाद थोड़ी बेकदरी भी होने लगी, फिर इसका रेट रखा 10 रुपये। फिर 550 साल गुरु नानक साहब जी का गुरुपुरब आ रहा है, उनके संबंध में जिनका नाम तेरा तेरा हट्टी रखा गया, जो पिछले 5 साल तो हम चल रही है। जो गल करिए तो लोग जोड़े आते हैं इस हट्टी के उपर समान लेने, जो उन्होंने को पैसे ना हो तो फिर वीर जी असं शुरू तो यही कहा भी जी तेरे को माया हैगी तो दियो, जे नहीं हैगी तो कोई गल नहीं। ये लोग इन्ने को सियाने हो गए, उन्होंने पता कि तेरा तेरे खर्चे बहुत होंगे ने और सारे ही माया दे जाते हैं। बहुत घट परिवार है जो माया नहीं देते, जिदा हम कोई बहरों आ जाता वै संगरूर तो आ गया, कोई गुरदासपुर तो आ गया, असं उन्होंने समान देने असं कहने माया, और फिर भी कोई ना कोई माया दे के ही चल जाता वै। तो जोड़े लोग सेवा करना चाहते हैं वो किस तरह ते रता कैम करते हैं? असी भी जी एक नंबर दिता है, पर पहला तो एड्रैस नोट कर लो, 13 तेरा हट्टी 120 रोड जलंधर। नंबर है साढ़ा 85-299-1000-35 8528910035। तुम वट्सअप से सू मैसेज भेजो कि अभी तेरा मैंबर बना चाहते हैं। मैंबर की कोई सालाना फीस नहीं, कोई मंथली फीस नहीं, सिर्फ मैंबर की सेवा इन्नी क्यों हैगी है भी लागे तेजे जिते तुम अभी कॉल करिए को समान पे वो चुके पहुँचाओ, जा जो अभी ग्रुप से मैसेज पाने तुम्हें बात को शेयर करो। साडा मतलब यही है कि जोड़ा तेरा तेरा हट्टी चली है वो कल जिंद तक सीमित ना रहे, वो पंजाब तक सीमित ना रहे, इंडिया तक सीमित ना रहे, और पूरे वर्ल्ड में जाने जाए लोगों जिते तो लड़ पे उसे मदद की जाए। हम जितने कितने भी आफत आती है असं तेरा तेरा हट्टी हमेशा ही तत्पर रहती है हर जगह समान पहुँचाने। बिल्कुल, जो गल करिए शुरुआती टाइम तो कहते 5 मैंबर से 5 सेवादार से, हम तो पूरे वर्ल्ड के हो गए, किन्ने सेवादार जुड़ चुके हैं? तकरीबन 695 मैंबर चलते पे, वो कल जलंधर नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड के मैंबर है, अमेरिका कनेडा US हर जगह कुछ ना कुछ मैंबर साढ़े बैठे ने जो सेवा सारे संभालते पे ने। और हर जगह सानू यही होंगे कि साढ़े संगत जितने भी बाहरों आती है वो साढ़े समान बाहरों नाल लेके आती है, साढ़े मैसेज फॉलो करती है, लोगों को वो जाणू कराया जाता है। इन्हें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, देखो सोशल मीडिया के करके ही साढ़ा सब कुछ चलता है, क्योंकि सोशल मीडिया की जी आवाज़ है ना वो सीमित नहीं होंगी, उनकी कोई लिमिट नहीं होंगी, वो हर जगह पर साड़ी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और ताड़ा ही बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बिना असी जे सोशल मीडिया तो अभी कुछ भी नहीं कर सकते। तो NRI वीर किस तरह ताड़े नाल जुड़ते हैं, किस तरह सेवा पहुँचाते हैं? NRI वीर के दिमाग एक चीज़ होंगी कि संस्था खुल गई तेन माया भेज दो, संस्था खुल गई है तेन माया भेज दो। और साड़ी संस्था की एक खासियत कही है या खुशकिस्मत ही कही है
कि असी बिना डोनेशन तो पिछले 5 साल तो काम कर रहे हैं तो साड़ी अगे भी कोशिश होगी कि डोनेशन तो बिना ही काम किया जाए। उनका रीजन यह कि असी पहले भी काफ़ी सुसाइटी चलाई हैं तो प्रॉब्लम कितने आती है जो माया इकट्ठी हो जाती है हर बंदा माया के मगर भजदा वा तो संस्था टुट जाती है। तो मैं कितने भी मैं अपनी पर्सनल गल नहीं कर रहा गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद हर जगह लड़ाई कर दी पैसे की तो साडा मतलब यही सी कि संस्था बंद ना किया जाए और बिना माया तो चलाया जाए और बाबा की कृपा इन्नी रही गुरु साहब की कृपा इन्नी रही कि असं पिछले 5 साल तो बिना डोनेशन तो ही काम चला रहे हैं और संगत असं एक ही अपील करते हैं कि सानू देना तुम्हें की है जिदा असं पंजाब विधवा तो राशन देना हर महीने कि सानू आटा दो दाल दो देना कदों तुहाडे बच्चे का जन्मदिन आया तुम लखा रुपये होटलों जागल करते हो वह ना लगाओ सानू एक बोरी आटा दे दो तुहानू पता लगेगा कि वाकई तुम्हें किसी को चीज दी है और तुहाडे बच्चे जिहड़ी ब्लैसिंग मिलेंगी और संगत ही मिलेंगी। देखो मैं तुम जिन्ना मर्जी जो मर्जी कर लो जो ब्लैसिंग जोर है ना वो कुछ नहीं जितने डॉक्टर मना करते हैं तो बच्चा नहीं बच रहा तो फादर नहीं बच रहे उत्थे ब्लैसिंग भी उठा देंदी ने क्योंकि ब्लैसिंग में रब वसदा रब कुछ भी कर सकता है रब तो कुछ भी कर सकता मतलब देखे ही पिछले लॉकडाउन है लोग कहते हैं कुछ नहीं होंगे कुछ नहीं होंगे लॉकडाउन लोग दसदा भी मैं हाँ रब की होंद तो पता लगे कि मैं हाँ और रब दसदा वै कि मेरी होंद तो बिना कुछ नहीं क्योंकि हर जगह प्रकृति कलने चलना है नियम है प्रकृति छेड़छाड़ करोगे तो कुछ अपने खाएगी खाएगी यही रब ने किया सारे हम लोगों को पता लग गया कि जो लाइफ है कोई पता नहीं शामी घर पहुँचना नहीं पहुँचना लखा करोड़ों रुपये बैंक खे होंगे ने और वेस्ट चल जाते हैं। हमने एक मेरे बीजे आया कि साढ़े मदर डैथ हो गई है तो साढ़े बैंक से पैसे भी और नॉमिनल लिख के नहीं गए वो पैसा किस काम नहीं है। मैं तो सकता सारी सेवा ही कह बेनती करा कि जेडे घर लखा करोड़ों रुपये वेस्ट पेना क्योंकि देखिए तुम खाना रोटी दाल खानी है तो कि खर्चा आ जाएगा जेडे पैसे फालतू पे लोगों की पढ़ाई पढ़ाई का ध्यान रखो बच्चा फीसा का ध्यान रखो जो नेड़े तेड़े लौटमंद है उन्होंने फीस जो बच्चे पढ़ने वाले है जेडे तो कितने हॉस्पिटल लगता है सरकारी हॉस्पिटल बाहर जा खड़े देखो लोगों को पैसा नहीं इलाज करा वैसे तो असं भी कोशिश की इतने इलाज शुरू कराया वा बिल्कुल फ्री किया इलाज किया जाता मैं उही सवाल कर लगा सी कपड़े भी हो गए बुक्स भी है बर्तन भी है राशन भी है एक कानूनी सलाह का उपर जरूर बैनर लगा भी 13 रुपये जी कानूनी सलाह भी जी है इसके बारे भी गल करते बीजे है एस कल दिलका जी जो इतने टोटली सलाह बिल्कुल फ्री देंगे ने तुम कोई भी किसी तरीके सलाह कोई प्रॉब्लम आ गई है वो तुम दसेंगे तरह मसला हल का हल सदा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है फिर भी संगत सू माया 10-20-30 गोलक पा के जाती है तो जो जो 13 रुपये खर्चे वो पूरे हो जाए। कानूनी सलाह होंगे कि बंदा जो जाता ना कचहरिया धक्के लखा रुपये खर्च हो जाते हैं तो साड़ी बात तो कोशिश जो लखा रुपये पैसे वेस्ट होंगे पैसे वेस्ट ना कितने का वो बचाए जाए इसलिए शुरू किया गया। तो मेडिकल सेवा भी दी जा रही है होम्योपैथी का इलाज बिल्कुल फ्री किया जाता है एक दिन की दवाई हो 5 दिन की दवाई हो 10 दिन दवाई दे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डॉक्टर सीमा अरोड़ा जी बैठे हैं और पिछले 5 साल तो सेवा निभा रहे हैं और बहुत सोहनी सेवा कर रहे हैं और संगत ही उन्होंने सैटिस्फाई है क्योंकि इलाज बहुत वधिया करते हैं ता ही संगत पहले एक ओपीडी से फिर 4 फिर 10 अब 25 की ओपीडी हो चुकी है और 10 से लेकर 1.5 तक सेवा संभालते हैं और बहुत वधिया संभालते हैं। एक गल होर मैं दस दो जो लोग तुहाडे नाल जुड़ना चाहते हो किस चीज़ की सेवा दे सकते हैं सानू माया नहीं देनी सानू तुहाडे घर पुराने कपड़े जो पे होंगे ने पुराने कपड़े दो पुराने शूज दो पुरानी क्रोकरी दो कोई भी तुहाडे घर का समान वेस्ट है उन्होंने सुट्टो ना अगों दिवाली आ रही है मैं तुहानू दसदा छोटी चीज़ जिहड़े अमीर बच्चे तो वड्डे टॉय नाल खेलते हैं टॉय टुट जाता सुट देंदे ने जो वो टॉय टॉय सड़कवा ना इतने पिया हों कोई गरीब बच्चा टॉय चुकता उन्हें चेहरे की एक अलग ही चमक होंगी है क्योंकि टुटे टॉय ना खेल के बड़ा खुश है जो अमीर दे किसी बिल्कुल वेस्ट हो रहा है असं यही कहें तो कोई भी घर चीज़ वेस्ट पी होने वेस्ट ना समझो और 13 ट्रेन चुनो तो सू कॉल करो अभी को समान लैके जाऊंगे सारा बिल्कुल डॉक्टर साहब न भी गलबात करेंगे उस तो पहला तस्वीरें भी दिखा रहे हैं तुम्हें नाल दी नाल जिस तरह गलबात की उन्होंने कहना कि हर एक चीज़ चाहे बच्चों के खिडौने है जो वेस्ट हो जाते हैं टुट जाते हैं वो भी जोड़े इस सेवा से देने चाहिए। डॉक्टर साहब साजूद है डॉक्टर साहब की गल करते हैं डॉक्टर साहब किस तरह का मन चाहिए कि तेरा तेरा हड्डी के नाल जुड़ना चाहिए लोगों की सेवा करनी चाहिए। देखो पहले तो बहुत बहुत सत श्रीकाल मैं इस हफ्ती बारे पहले सुनिया नहीं हुआ से जो मैं सुनिया इन्होंने मैंने चांस दिता काम कराने का जो मैं इतने काम किया तो मैंने लगा कि बहुत अच्छा काम है क्योंकि इतने हर लोड़वंद वास्ते कपड़ा हर समान दे रहे हैं मतलब ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं तो इतने इन्होंने फिर एक खोलिया डिस्पेंसरी खोली चैरिटेबल इन्होंने मैंने एक चांस दिता काम करने का तो यह सोच के मेरे मन च है कि चलो एक किसी की हेल्प करनी यह सब तो अच्छा काम है जो सू परमात्मा ने बख्श बख्शी है जिस तरह मैंने क्यों डॉक्टर बनाया अगर मैं थोड़ा योगदान इतने दे देव क्योंकि आम लोग गरीब लोग इतने मतलब जो लोग दवाइया अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें पता ही डॉक्टर की फीस कितनी कॉस्टली है हर एक दिवस का रोग नहीं है
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਦਾ। ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਐਸਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਥੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਰੱਸਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਈਵਨ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਮਤਲਬ 5, 7, 10, 15 ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। 15 ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ, 15 ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ? ਦੇਖੋ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਹੱਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਚਾਹਵਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਵਧੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ, ਸੰਗਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਯੋਗਦਾਨ, ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਖਾਸ ਕਰ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਹੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਹੱਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਵੀਰ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।